हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फोर लेयर नोज पीस की कटिंग और स्टिचिंग बहुत सरल तरीके से बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ हमने 18 इंच लंबा फेस कवर बना रहे हैं हम, तो हमने यहाँ 18 इंच का निशान लगाया है। आप थोड़ा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 18 इंच लंबाई के लिए हम निशान लगाया, अब हम चौड़ाई के लिए 14 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आप चौड़ाई भी थोड़ा कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ हमने एक 14 इंच का निशान लगाया है, इसी तरह ऊपर भी हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब सारे निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमने फेस कवर की कटिंग कर ली है, ये देखिए फ्रेंड। अब हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखना है, हमें आइज़ कट बनाने हैं। तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। अब हम यहाँ से 4.5 इंच का निशान लगाएंगे, ये देखिए फ्रेंड। इस तरीके से हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर एक निशान लगाया है। आप इससे कम ही रखिएगा, ज़्यादा मत करिएगा इससे, इतना भी ठीक है। और यहाँ 1.5 इंच हमने गहराई दी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गोलाई देते हुए यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारे फेस कवर की आइस कट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है, और जो ये दोनों कॉर्नर हैं इन्हें छोड़ देना है, यहाँ सिलाई नहीं लगानी। अब हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। बस ध्यान रखना, यहाँ पर और यहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सिलाई लगाकर दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने सिलाई लगाकर रख लिए। यहाँ पर हमने इस तरीके से जो कॉर्नर छोड़े थे हमने ऊपर, यहाँ से हम फेस कवर को सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने फेस कवर को सीधा कर लिया है। अब हम लब की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर सिलाई लगाने से फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हमने यहाँ पर दो बद्धियाँ बना ली हैं पीछे बांधने वाली, तो इन्हें हम अटैच करना है। तो इसे अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर करीब 2.5 इंच चौड़ी और फेस कवर के जितनी चौड़ाई की पट्टी ले ली है, ये देखिए। जितना फेस कवर था हमने उतनी ही चौड़ाई की पट्टी ली है। वो फेस कवर जो है हम सिलाई लगा चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा छोटा हो गया है। अब हम पट्टियों में भी सिलाई लगा लेंगे तो बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पट्टी रखा है, फिर हमने फेस कवर को रखा है, फिर हमने सेकेंड वाली पट्टी रखी है। तो हमने यहाँ दो पट्टियाँ एक बराबर काटी थी। अब हमें क्या करना है कि ये जो दो बद्धियाँ हैं, हम इन्हें इस तरीके से अटैच करेंगे कि ये बद्धियों को हम अंदर रखेंगे यहाँ पर, और दोनों पट्टियों के बीच में, बिल्कुल बीच सेंटर पर रखना है हमें, और इस तरीके से पट्टियों को बंद कर देंगे। इसी तरह से हम इस तरफ भी अंदर को पट्टी रखेंगे। इस तरीके से हमने बद्दी को रखा है और यहाँ पर इसके ऊपर जो पट्टी थी हमने उसको अच्छे से बिछा दिया है। अब हम यहाँ पर दोनों बद्दियों को लॉक कर देंगे पिन की हेल्प से, ताकि इधर उधर ना हो। तो फिर हमने इस तरीके से दोनों बद्दियों को लॉक कर दिया। अब हम ऊपर भी पिन लगा लेंगे, ताकि जो हमारी जो फेस कवर हैं और जो दोनों पट्टियां हैं इधर उधर ना हो, अटैच रहें। फिर हम इन पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, और इस तरीके से दोनों पल्लों को सीधा कर देना है। तो पहले हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने सिलाई लगा ली है, पिन को हटा दिया है। अब हम यहाँ से दोनों कॉर्नर से, ये वाले और ये वाले कॉर्नर से पट्टियों को सीधा कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने दोनों पट्टियों को सीधा कर दिया। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे लब की, और जो दो ऊपर के खुले हुए सिरे हैं इनको भी इस तरीके से हमें मोड़कर कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है पक्की। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है, तो हमारा फेस कवर बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फेस कवर बनकर रेडी हो गया है, पूरा कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, फेस कवर की दोनों तीनों लेयर्स काटनी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर फोर लेयर्स की हम नोज पीस बना रहे हैं।
अब हम सबसे पहले बड़ी वाली लेयर्स काटेंगे। तो हमने सबसे पहली लेयर 39 इंच रखी। आपको जितना भी लंबा नोज पीस बनाना है आपको पहली लेयर उतनी ही लंबी काटनी है। तो हमने यहाँ पर 39 इंच लंबी पहली लेयर काटी है। यहाँ से हम स्केल की हेल्प से निशान को सीधा कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो हमारी पहली लेयर्स कट गई है। अब हमें कपड़े को इसी तरीके से फोल्ड करना है और सेकेंड वाली लेयर भी काटनी है। तो फ्रेंड, जितनी हमने पहली वाली लेयर काटी थी उससे 4 इंच छोटी हम दूसरी वाली लेयर्स काटेंगे और फिर इससे भी 4 इंच छोटी हम तीसरी लेयर्स काटेंगे। तो इस तरीके से हमारी लेयर्स बनकर तैयार होंगी। तो हम यहाँ पर 4 इंच छोटी लेयर काट रहे हैं तो यहाँ पर 35 इंच की लेयर्स कटेगी ये वाली सेकेंड वाली। तो हमें इसको भी काट लेना है और इसी तरीके से अब हम इस 4 इंच छोटी लेयर्स भी इसी तरीके से काट लेंगे। तो यानी कि 31 इंच की लेयर भी हम एक काट लेंगे। तो जब हमारी तीनों लेयर्स कंप्लीट कट जाएंगी तब हम एक बराबर रखकर हम कॉर्नर्स बनाएंगे। तो हमारी यहाँ तीनों लेयर्स कट गई हैं। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले बड़ी वाली लेयर्स को बिछाया है, इसके बाद हम दूसरी वाली लेयर बिछाएंगे जो 35 इंच की थी और उसके बाद हम तीसरी लेयर बिछाएंगे छोटी वाली जो कि 31 इंच की थी। ये देखिए फ्रेंड, हमने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स करिए, हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको सिलाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सिलाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट्स करिए। आप कोई वीडियो चाहते हो तो आप हमको कमेंट्स करिए, हम आपका कमेंट्स का रिप्लाई देंगे और आपके लिए वीडियो भी लेकर आएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीनों लेयर्स बिछा दिया है। तो हम एक किनारे से तीनों लेयर्स को मिलाते हुए रख रहे हैं क्योंकि जो हमें गोलाई देनी है तो वो तीनों लेयर्स की एक साथ देंगे। तो सबसे पहले हम ये जो किनारी है हम इसको काट कर हटा दे रहे हैं जिससे कि फिनिशिंग हमारी सही आए। अब हमें यहाँ पर चौक से थोड़ा सा गोलाई दे देनी है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने तीनों लेयर्स को बिछाकर एक साथ गोलाई दी है ताकि तीनों लेयर्स में गोलाई एक बराबर आए। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी गोलाई आई है। और अब हमें यहाँ पर जो किनारी है ऊपर किनारी को छोड़कर बाकी तीनों किनारी पर हमें पीको कर लेना है या तो फिर आप सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास पीको अवेलेबल हो तो आप पीको कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरीके से किनारी पर हमें सिलाई लगानी है या पीको करना है। तो चलिए हम पीको कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने किनारी पर पीको कर लिया है, ऊपर वाला सिरा हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमने पहले बड़ी वाली लेयर को बिछाया है और इसके बाद हम सेकेंड वाली को और उसके बाद हम सबसे छोटी वाली लेयर को बिछाएंगे। तो हमें ऊपर से मिलाकर तीनों लेयर्स बिछानी है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी बड़ी वाली हो गई, ये उससे छोटी और ये उससे छोटी। तो हमारी तीनों लेयर्स एक बराबर से हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर पिन की हेल्प से तीनों लेयर्स को अच्छे से अटैच कर देना है क्योंकि हम तीनों लेयर्स को मिलाते हुए ऊपर किनारी को मोड़ देंगे। तो इसलिए हमने अटैच कर दिया है ताकि हमारी अच्छे से सिलाई लग जाए। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा तीनों लेयर्स का लुक आ रहा है। चलिए हम सिलाई लगा कर आपको कम्प्लीट करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगाकर यहाँ तीनों लेयर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर नोज पीस को हमने अटैच कर दिया है। तो यहाँ से हमने बीच कॉर्नर पर, बीच सेंटर पर हमने अपने नोज पीस को अटैच कर दिया है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्किप कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फाइनल लुक इसका इस तरीके से आया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।